अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइबर, मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नंबर 60, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है रोमन बलोच का, सर विजिट वीजा अगर 10 साल का लग जाए और 2-3 साल बाद ट्रैवल करना हो तो कोई इशू तो नहीं होगा विजिट के टाइम? जी बिल्कुल इशू हो सकता है, एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि आपका ट्रैवल प्लान ये था और आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं। हाँ 2-3 या 4 महीने आप लेट आ जाएं, लेकिन उसके लिए भी आप इस क्वेश्चन के लिए वेल प्रिपेयर्ड हों कि इमिग्रेशन ऑफिसर एयरपोर्ट पे ये पूछेगा कि आपका ट्रैवल प्लान ये था, क्यों लेट आए हैं। तो उसके लिए वर्बली आपने नहीं बताना, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके घर शादी आ गई है, यानी कि आपकी शादी हो या बहन भाइयों की शादी हो, ये नहीं कोई चाचे मामे की शादी हो, नहीं, जो क्लोज रिलेशन है उनकी शादी आ गई, या खुदा ना खास्ता घर में कोई डेथ हो गई, या आपके घर कोई बच्चे की पैदाइश हो गई, तो उसके लिए आप या आप बीमार हो गए उसका कोई मेडिकल रिपोर्ट, तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस या एविडेंसिस साथ लेके आने हैं ताकि आप इमिग्रेशन ऑफिसर जो एयरपोर्ट पे है उसको आप कन्विंस कर सको कि इस वजह से मैं 2-3 या 4 महीने लेट आया। लेकिन 2-3 साल इतना लेट, मेरे ख्याल से ये वो जो आपके लिए मुश्किलात आ सकती हैं एयरपोर्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयान खान का, सलाम वालेकुम सलाम, माय सैलरी कम्स डायरेक्टली इनटू माय अकाउंट, डू आई नीड टू शो सैलरी स्लिप्स? देखें जब आपके अकाउंट में सैलरी आती है तो आप ट्रांजैक्शंस को देखें, और हर महीने जो ट्रांजैक्शन सैलरी वाली आ रही है वहां पे डिस्क्रिप्शन में सैलरी मेंशन होता है, तो वो काफी है वीजा ऑफिसर को कन्विंस करने के लिए। लेकिन अगर आप सैलरी स्लिप्स भी शो करेंगे तो मजीद आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जारा जवेद का, कैन वी गेट हेल्प फ्रॉम AI फॉर कवर लेटर देन एडिट इट? मेरे ख्याल से AI से बिल्कुल आप हेल्प ना लें, क्योंकि AI आपकी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं, जो कवर लेटर एक्सप्लेनेशन लेटर होता है वो आपकी इंटरनल फीलिंग्स और आपकी जो रियल बायोडाटा है ना उसको वो शो करता है, आपने शो करना होता है। लेकिन जो AI ये जो सॉफ्टवेयर है इसको आपकी इंटरनल फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो आपकी जो पास्ट में आपने किया होता है, जो प्रेजेंट आप कर रहे हैं या जो फ्यूचर में आप करना चाह रहे हैं उसको AI का जो सॉफ्टवेयर है ना वो एक जनरल जो स्टेटमेंट है वो दे देगा, लेकिन स्पेसिफिकली आपकी जो ओरिजिनल या जेन्युइन आपकी बायोडाटा है ना, पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, जो फ्यूचर में होने वाला, वो AI सॉफ्टवेयर नहीं एक्सप्रेस कर सकता, इसलिए इससे आप बिल्कुल हेल्प ना लें। इजाज अली का क्वेश्चन है, सर क्या विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री अप्लाई कर सकते हैं सऊदीया से? जी विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आप अप्लाई कर सकते हैं सऊदीया से, क्या दुनिया के किसी मुल्क से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो यह आपकी आपकी प्रोफाइल को मजीद स्ट्रेंथन करती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी एज अभी थोड़ी होती है 20-21 साल के, और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं होती और जॉब भी इतनी खास नहीं होती, तो उनके लिए प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप आपकी जॉब अच्छी है, आप जो है आपकी सैलरी भी अच्छी है और आपकी एज भी, आप वेल मैच्योर्ड पर्सन है, तो उस तब जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप ताजी ताजी नौकरी है, ताजी ताजी सैलरी है, अभी जवान हुए हैं आप 20-21-22 साल के, तो उस वक्त ट्रैवल हिस्ट्री फिर, क्योंकि वीजा ऑफिसर ये सोचता कि यार अभी ये ताजा ताजा बंदा जवान हुआ है और ये अभी इधर आएगा हमारे मुल्क में, इसको पता ही नहीं जाना कहां पे है, टिकट कहां से खरीदनी है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्ड कहां से बनवाना है, रहना कहां पे है, तो मसला इसलिए वो सोच, उस वक्त ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है, अदरवाइज नॉर्मली ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी नहीं है। अयान खान का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सलाम, आई एम द मेन एप्लीकेंट, कैन आई पे एप्लीकेशन फीस फ्रॉम माई मदर डेबिट कार्ड, वी बोथ आर अप्लाइंग फॉर विजिट वीजा? जी आप अपने मदर की डेबिट कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं, मदर क्या फादर सिस्टर ब्रदर किसी के अकाउंट से भी आप जो एप्लीकेशन की फीस है वो पे कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट फॉर ऑल का क्वेश्चन है, भाई मैंने 2011 में कनाडा में रेफ्यूजी क्लेम किया था, फिर मैं वापिस आ गया किसी वजह से, 2011 में मेरे फिंगर प्रिंट्स हुए थे, वहां तो क्या मैं कनाडा का विजिट वीजा अप्लाई कर सकता हूं? देखें जब 2011 में आप विजिट वीजा पे आए थे, अगर आप विजिट वीजा पे आए और आपने यहां पे आकर रेफ्यूजी क्लेम किया, तो आप दोबारा अगर पाकिस्तान गए हैं तो इट मींस के जो आपने रेफ्यूजी इधर क्लेम किया कि आपको पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल आपकी जान को खतरा है, तो
फिर अगर आप दोबारा वहां पे वापस चले गए तो इसका मतलब यहाँ पे आपने इनको चीट किया है, झूठ बोला है। तो अगर विजिट वीजा पे आके रेफ्यूजी क्लेम किया था और वापस चले गए और आप दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हो विजिट, मेरे ख्याल से ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ज़ारा जुवेद का क्वेश्चन है, वन थिंग प्लीज एलैबोरेट के स्टेटमेंट तो 6 मंथ्स की होगी बट स्टेबल बैलेंस कितने अरसे का शो करना है, मनी इन आउट हो तो भी क्या ठीक होगा? जी, बैंक स्टेटमेंट ऑफिशियल जो IRCC का वेबसाइट पे जाएं तो ऑफिशियली 4 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट शो करनी, 6 मंथ्स की नहीं शो करनी। और जो स्टेबल बैलेंस है वो स्टेबल बैलेंस 4 महीने के लिए रखना है, और स्टेबल ऐसे नहीं रखना कि उसको बिल्कुल फ्रीज कर देना है। एक लाइन है, एवरेज लाइन ड्रा कर लें मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स का, अगर वो आपकी 4 मंथ्स की स्टेटमेंट है तो बैंक अकाउंट्स पे जाए ना तो वो ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री बनी होती है तो उसका ग्राफ चेक करें, तो एक एवरेज लाइन होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द अप्स एंड डाउन होने चाहिए। कि आपकी स्टेबल बिल्कुल फ्रीज ना हो, ऊपर नीचे इन आउट होते ही रहे स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी आपने जो सो कॉल्ड स्ट्रांग बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं ना, मैं उसको बोलता हूं कि यार आपने नेचुरल बैंक स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। लोगों के करोड़ों रुपया अकाउंट में होता है, वीजा रिजेक्ट हो जाता है, और लाखों वाले जो 20-25 लाख वाले हैं उनका वीजा लग जाता है क्योंकि वो नेचुरल चल रहे होते हैं, किसी से पैसे नहीं पकड़े होते, उनके अपने पैसे होते हैं और वो इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, फ्रीज करके नहीं बैठे होते, ठीक है जी। ये थे आज के क्वेश्चन, मजीद किसी के दिमाग में या दिल में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। किसी को मेरी हेल्प चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, नीचे आपको ईमेल भी नजर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।